नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल मेड हेल्थ सपोर्ट में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हार्ट ट्रांसप्लांट के बारे में। तो दोस्तों, हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी रुके हुए हृदय को एक स्वस्थ हृदय से बदलने के लिए की जाती है, और जब कोई भी ट्रीटमेंट कारगर ना हो तब अंत में हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी ही अंतिम विकल्प होता है। हर व्यक्ति हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं करवा सकता है। यह सर्जरी करवाने के लिए कुछ स्थितियां व्यक्ति के शरीर में मौजूद नहीं होनी चाहिए, जैसे कि व्यक्ति की उम्र 65 वर्ष से अधिक ना हो, व्यक्ति को अन्य गंभीर फेफड़ों, लीवर या गुर्दे के रोग ना हो, और व्यक्ति शराब वगैरह कोई नशा ना करता हो। इन स्थितियों की जाँच करने के लिए डॉक्टर कई सारे टेस्ट करते हैं, और एक बार ट्रांसप्लांट हो जाने के बाद व्यक्ति को कई सारे टेस्ट करवाने पड़ते हैं। एक बार ट्रांसप्लांट टीम आपके परिणामों की जांच कर लेती है तो आपका नाम वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाता है, और इसके बाद आपके शरीर के लिए उपयुक्त डोनर मिल जाने पर आपको अस्पताल बुलाया जाता है, और जिस दिन आपको अस्पताल बुलाया जाता है उसी दिन आपकी सर्जरी की जाती है। ट्रांसप्लांट के बाद आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि आपको कोई भी इन्फेक्शन ना लगे, क्योंकि इस समय आपकी इम्यूनिटी कम होगी। यदि आपको घाव के स्थान पर ब्लीडिंग दिखाई दे या फिर बुखार महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर को सूचित करें। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी क्या होती है। हार्ट ट्रांसप्लांट एक ऐसी सर्जरी है जो रोगग्रस्त हृदय या फैल हो चुके हृदय को स्वस्थ हृदय से बदलने के लिए की जाती है। सभी प्रकार के ट्रीटमेंट व दवाएँ फेल हो जाने के बाद यह सर्जरी अंतिम विकल्प बचती है। हार्ट का फेल होना एक मेडिकल स्थिति है जिसमें हार्ट ठीक तरह से रक्त पंप नहीं कर पाता है। चूंकि शरीर के सभी अंगों को ठीक तरह से कार्य करने के लिए खून की आवश्यकता होती है, और ऐसे में यदि हार्ट ठीक तरह से खून को पंप नहीं कर पाता है तो अन्य अंगों की कार्य प्रक्रिया भी इससे प्रभावित होती है, और हार्ट फेल्यूर हार्ट को केवल एक तरफ से या फिर पूरे हार्ट को प्रभावित कर सकता है। दोस्तों, बात करते हैं कि हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी क्यों की जाती है। तो यदि आपका हार्ट फेल्यूर अंतिम अवस्था में होता है तो आपको हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी करवाने की सलाह दी जाती है। अंतिम अवस्था का हार्ट फेल्यूर का मतलब है कि हार्ट की रक्त को पंप न कर पाने की जो अक्षमता अत्यंत गंभीर है और अन्य कोई भी ट्रीटमेंट काम नहीं कर पा रहा है। तो हार्ट फेल्यूर के कुछ लक्षण होते हैं, जैसे कि आराम करते समय भी सांस लेने में तकलीफ हो रही हो, अचानक वजन बढ़ना, छाती में दर्द होना, असामान्य रूप से पेशाब आना और हार्ट की गति का असामान्य होना, पेट फूला लगना, पैरों, पेट और एड़ी में सूजन आ जाना, उलझन, थकान, भूख कम लगना, दिनचर्या के काम करने में तकलीफ होना, सांस फूलना, नींद के पैटर्न में बदलाव आना। दोस्तों, बात करते हैं कि हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी कौन नहीं करवा सकता है। तो कुछ स्थितियां ऐसी होती है जिसमें व्यक्ति हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी नहीं करवा सकता, जैसे कि HIV, कुपोषण, जिस व्यक्ति को 2 साल पहले कैंसर हुआ हो, डिमेंशिया, 65 से अधिक उम्र, हेपेटाइटिस जैसा इन्फेक्शन होना, लीवर, नसों, किडनी या फेफड़ों से जुड़ी कोई स्थिति होना, इंसुलिन आधारित मधुमेह होना और ऐसा कोई रोग होना जिसमें गले व पैरों की रक्तवाहिकाएँ प्रभावित हों, परिवार से कोई भी सहारा न होना और ट्रीटमेंट को फॉलो न कर पाना, धूम्रपान, ड्रग, शराब वगैरह का प्रयोग करना क्योंकि इससे नया हार्ट भी प्रभावित होता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन होना या फिर दवा समय पर न ले पाना और समय समय पर अस्पताल ना पहुंच पाना। अब दोस्तों, बात करते हैं कि हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी से पहले तैयारियां क्या की जाती है। तो हार्ट ट्रांसप्लांट करने से पहले ट्रांसप्लांट टीम आपके शरीर की जांच करेगी, और जिसमें क्या क्या करेगी जांच। सबसे पहले तो आपका शारीरिक चेकअप, उसके बाद ब्लड टेस्ट जिसमें उपयुक्त तो डोनर ढूंढने में मदद मिलती है और ऑर्गन रिजेक्शन का खतरा कम हो जाता है, उसके बाद कुछ परीक्षण टेस्ट, और यह टेस्ट आपकी संपूर्ण स्वास्थ्य की जांच करते हैं, जैसे कि अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन, एक्सरे, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट और डेंटल एग्जाम वगैरह। महिलाओं में मेमोग्राम, पेप्समियर और गायनेकोलॉजी परीक्षण भी किए जाएंगे। उसके बाद है दोस्तों शारीरिक परीक्षण। तो कुछ शारीरिक समस्याओं के चलते भी कई बार ट्रांसप्लांट नहीं किया जाता, तो इसमें व्यक्ति के तनाव, आर्थिक समस्या, मित्रों व परिवार से संबंधों की जांच होती है। आपको इन्फेक्शन का खतरा कम करने के लिए अन्य दवाएं भी दी जा सकती है, और सर्जरी से पहले आप जो भी दवाएं ले रहे हैं उनके बारे में डॉक्टर को अवश्य बता दें। एक बार सभी टेस्ट हो जाने पर आपके पूर्ण मेडिकल और सर्जिकल स्थिति की जांच की जाएगी, और एक बार सभी टेस्ट हो जाने पर आपको कुछ दिनों से लेकर 1 साल तक नए डोनर का इंतज़ार करना पड़ सकता है, और जैसे ही आपको ट्रांसप्लांट करवाने के लिए सूचित किया जाता है वैसे ही आपको अस्पताल आना होता है, और ऐसे में कुछ भी खाए पिए नहीं, तुरंत अस्पताल जाए, क्योंकि डोनर से हार्ट लिए जाने के 4 घंटों में ऑपरेशन होना ज़रूरी होता है। सर्जरी से पहले आपको अनुमति फॉर्म भरना होगा। अब दोस्तों, बात करते हैं कि हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी कैसे होती है। तो दोस्तों, जैसे ही आप अस्पताल पहुंचते हैं आपको अस्पताल का गाउन पहनाया जाता है, और उसके बाद कुछ चरणों में सर्जरी की जाती है, जैसे कि डॉक्टर आपको सामान्य एनेस्थेसिया देंगे और आपकी छाती पर शेव किया जाएगा, आपकी छाती को एंटीसेप्टिक दवा से साफ किया जाएगा, उसके बाद सर्जन जो है वो ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल दिशा में एक चीरा लगाएंगे जो कि गले के सिरे से
पेट की तरफ यानी कि नाभि तक लगाया जाएगा और इसके बाद सर्जन जो है वो सर्जरी के लिए आपके हार्ट को रोकेंगे और इस प्रक्रिया के दौरान आपके शरीर में संचरण जारी रखने के लिए सर्जन जो है वो बाईपास मशीन द्वारा आपके छाती में ट्यूब लगाएंगे और यह मशीन आपके शरीर में हार्ट की ही तरह रक्त का संचरण करेगी। एक बार मशीन पंपिंग कार्य शुरू कर देती है तो सर्जन जो है वो रोगी हार्ट को स्वस्थ हार्ट से बदल देते हैं और इसके बाद सभी रक्त वाहिकाओं को नए हार्ट से जोड़ दिया जाता है और हार्ट को शुरू करने के लिए हल्का सा इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है और इससे पहले वेंटिलेटर की ट्यूब को निकाल दिया जाता है। सर्जन आपके हार्ट में तारों को लगा सकते हैं जो कि आपके शरीर के बाहर पेसमेकर से जुड़े होंगे और इससे रिकवरी के समय तक हार्ट की जो गति है उसको नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। इसके बाद डॉक्टर आपकी छाती की हड्डी को वापस तारों से जोड़ देंगे और आपकी त्वचा को टांकों से सिल देंगे। डॉक्टर आपकी छाती पर एक ड्रेन लगाएंगे ताकि जमा हुआ जो खून है उसको निकाल दिया जाए और इसके बाद चीरे के स्थान पर पट्टी कर दी जाती है। हार्ट ट्रांसप्लांट में 4 घंटे तक लग सकते हैं। ऑपरेशन के बाद आपको कुछ दिनों के लिए इंटेंसिव केयर यूनिट में निगरानी के लिए रखा जाएगा। नर्स जो है वो दर्द के लिए शरीर में दवा लगा सकती हैं और यदि हार्ट और अन्य अंग ठीक तरह से कार्य कर रहे हैं तो आपको कुछ ब्लड टेस्ट करवाने के लिए कहा जाएगा। आपको रक्तस्राव संबंधी समस्याओं और रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए कुछ दवाएं दी जाएंगी। डॉक्टर पेसमेकर से जुड़ी तारों को निकाल देंगे और इम्यूनो सुप्रेशन की खुराक पर नज़र रखी जाएगी। आप धीरे धीरे द्रव पीने से शुरू करेंगे और फिर आपको हल्का नरम भोजन दिया जाएगा। एक बार आपके वाइटल स्थिर हो जाएं, तो आपको आईसीयू से आगे की रिकवरी के लिए सामान्य कमरे में रखा जाएगा और डॉक्टर आपको आसपास थोड़ा चलने और स्वस्थ आहार लेने की सलाह देंगे और आपको 7 से 14 दिनों में डिस्चार्ज दे दिया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद देखभाल कैसे करनी है। तो हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद जब आप घर जाते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। आपको जीवन भर के लिए इम्यूनो सुप्रेशन दवाएं लेनी होंगी जो कि डॉक्टर द्वारा बताई गई होंगी। आपको अपना रोजाना का एक रिकॉर्ड बनाने को कहा जाएगा जिसे डॉक्टर अगले अपॉइंटमेंट के समय देखेंगे, जिसमें आपकी हार्ट की दर यानी कि हार्ट रेट, वजन, तापमान, ब्लड प्रेशर और ब्लड ग्लूकोज। घाव जो है उसको सूखा रखें। रिकवरी के शुरुआती महीनों में भीड़ भरे इलाकों में ना जाएं और ऐसे लोगों से दूर रहें जिन्हें किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो। सर्जरी के बाद 6 हफ्तों तक गाड़ी ना चलाएं। आप ट्रांसप्लांट सर्जरी के 3 महीने बाद काम पर लौट सकते हैं। सर्जरी के बाद 6 हफ्तों तक कुछ भी भारी सामान ना उठाएं। हॉट टब, स्विमिंग पूल या बाथ टब वगैरह से दूर रहें जब तक कि आपका इन्फेक्शन ठीक नहीं हो जाता। किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बचने के लिए सर्जरी के 3 महीने तक अधिक दूरी तक यात्रा करने से बचें। सर्जरी के 3 महीने बाद आप घरेलू यात्राएं कर सकते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं करने के लिए आपको 6 महीने का इंतज़ार करना पड़ेगा। 6 महीने तक पौधे वगैरह ना लगाएं। यदि किसी कंस्ट्रक्शन साइट से निकलें तो मास्क का प्रयोग करें जहां पर मकान वगैरह कोई इमारत बन रही हो, और आप ऐसे लोगों से मिल सकते हैं जिन्होंने हार्ट ट्रांसप्लांट करवाया हो, उनसे आप अपने प्रश्नों के बारे में बातचीत कर सकते हैं। हार्ट ट्रांसप्लांट से व्यक्ति की आयु बढ़ जाती है जो कि बिना ट्रांसप्लांट के खत्म हो सकती थी। और अब दोस्तों बात करते हैं कि डॉक्टर के पास आपको कब जाना है। तो यदि आपको कोई भी इन्फेक्शन दिखाई दे तो डॉक्टर के पास जाना है, जैसे कि सर्जरी के स्थान पर अत्यधिक दर्द हो रहा हो, आपका ब्लड प्रेशर कम हो गया हो, बुखार, कंपकंपी या दोनों चीज़ें हों, अत्यधिक थकान हो, सांस लेने में तकलीफ हो, या फिर घाव के स्थान से लालिमा, सूजन या पस निकल रहा हो या ब्लीडिंग हो रही हो, तो आपको डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। और अब दोस्तों बात करते हैं कि हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी में क्या क्या जटिलताएँ होती हैं तो यहाँ क्या क्या खतरे हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो एनेस्थेशिया से प्रतिक्रिया हो सकती है, दिल का दौरा हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, रक्त के थक्के जम सकते हैं, सांस लेने में समस्या हो सकती है, हार्ट की रेट में समस्या हो सकती है, एंटी रिजेक्शन दवाओं के कारण कैंसर या फिर लिवर, किडनी या अन्य अंगों का क्षतिग्रस्त होना, किडनी या फिर लंग फेल्यूर, रिजेक्शन की दवाओं के कारण इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है, रिजेक्शन की दवाओं के कारण उच्च कोलेस्ट्रॉल, हड्डियों का पतला होना या मधुमेह तक हो सकता है, नया हार्ट बिल्कुल काम भी नहीं कर सकता या फिर गंभीर कोरोनरी आर्टरी रोग भी हो सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद डॉक्टर के पास आपको कब जाना है। तो दोस्तों डिस्चार्ज के बाद 2 महीने तक आपको हर हफ्ते क्लिनिक जाना होगा और यहाँ तक कि ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद शुरुआती महीनों में आपको बार बार अस्पताल जाना होगा। वहाँ डॉक्टर आपके शरीर पर कुछ टेस्ट करेंगे ताकि यह देखा जा सके कि आपके शरीर ने नए हार्ट को अपना लिया है या नहीं, और इन टेस्ट में इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और हार्ट की बायोप्सी भी शामिल है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।